हेलो, मैं अब सवाल कर रहा हूँ। गणित का पेपर पाली जिले का है, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, इष्ट संख्या विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है, उसका वर्ग ज्ञात करना है। इष्ट संख्या विधि द्वारा तो उसका सूत्र है आपके, संख्या प्लस विचलन, और संख्या माइनस विचलन, और विचलन का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो सूत्र है इसका, संख्या प्लस विचलन इंटू संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर। जैसे यहाँ नंबर जो आपको दे रखा है वो है आपके 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 12 जो नंबर आता है वो 10 और 20 के बीच में आता है, इसे आप संकलन वकलन विधि भी कह सकते हैं। अब ज्यादा नजदीक इसके हैं, 10 के नजदीक ज्यादा है। 10 में और 12 में फर्क कितना है? 2 का फर्क है, तो ये विचलन नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा इष्ट संख्या। तो ये कहलाएगी आपके इष्ट संख्या कहलाएगी। इसको हल करना है, सिंपल है। जो भी नंबर दे रखा है 12 प्लस 2 और 12 माइनस 2, संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, ये तो आ गया है आपके 14 इंटू 10 प्लस 4। तो इन दोनों को पहले करेंगे गुणा, ये होता है आपके 140 प्लस 4, ये हो जाएगा आपके 144। ऐसे इस पहले का उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हमें ज्ञात करना है 48 और 105 का मतलब ज्ञात करना है, एक है 48 और एक है 105। तो पहले आपको इसको अलग से रफली सॉल्व करना है। तो ये है 48 का भाग देंगे इसमें हम 2 का, ये जाएगा 24 बार, फिर 2 का देंगे तो ये जाएगा 16 बार, 12 बार, फिर 2 का भाग दो 6 बार, फिर 2 का भाग दो 3 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। तो इसके अंदर जो नंबर आया है वो है 2 तो आया है आपके 4 बार और 3 आया है आपके 1 बार। वैसे 105 का भी करेंगे तो इसमें 3 आएगा 1 बार, 5 भी आएगा 1 बार और 7 भी आएगा 1 बार। अब अगर आपको मतलब निकालना है, मतलब SCF ज्ञात करना है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन आना है सब में, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। ये नंबर ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके मसब। अब घात लेनी है, कम से कम घात, इसमें भी एक घात ही है और इसमें भी एक घात ही है, तो उत्तर क्या आ गया आपके मसब पर? 3 आ गया। अगर आपसे लसब पूछे, लसब अगर पूछे आप, अगर लसब पर ज्ञात करना होता तो आपके ये आता 2 भी आता, 3 भी, 5 भी और 7 भी। सबसे अधिक घात आती इसमें, आती है घात ज्यादा, 2 में घात 4 है, बाकी सब में घातें एक ही घात ही है, सब एक घात ही थी, इसीलिए उत्तर आ जाएगा इसका 16 इंटू, इन सबको गुणा करेंगे तो ये लिखा हुआ है, गुणा किया हुआ है 105, दोनों गुणा कर देंगे 1680 आ जाएगा। पूछा नहीं, वैसे आपको मत्स्य ही ज्ञात करना है, तो मत्स्य पूछे तो ये करना है लस। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके दे रखा है 10 × 50 / 10 = 41 का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये नियम है, कॉट थीटा बराबर होता है 10 90 - थीटा, ये नियम होता है। तो ऊपर वाला मान तो हम यही रखेंगे, आप चाहे ऊपर वाला या कोई भी एक मान आपको चेंज करना है, तो मैं ये कॉट वाला चेंज कर रहा हूँ, तो ये चेंज करेंगे, ये इसको मानना है थीटा, मान लो कि 41 है, तो यहाँ थीटा 41 आ रहा है, तो यहाँ भी थीटा कितना आएगा? 41 आएगा। अब ये उतार लेंगे और थीटा की जगह हम क्या उतार लेंगे? 41 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 90 - 41,
क्योंकि देखो यहाँ टेन का मान थीटा है, लेकिन यहाँ ऊपर टेन का मान 41 है, लेकिन यहाँ थीटा है। जो यहाँ दे रखा है वही आपके यहाँ होना चाहिए। अब ये तो हो गया है आपके 10 गुण 50 डिग्री बटा ये आ गया है आपके 10। अब माइनस करो 90 माइनस 41, ये होता है आपके गुण 50 डिग्री। ये काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 1। तो 10 इसका मान हो जाएगा आपके 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दे रखा है साइन 50 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले आप दोनों को वही अभी जो पहले करवाया था सेम करना है। पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा। किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों साइन आ गए एक ही जगह तो कॉस आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ घटाएंगे 90 माइनस 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब ये घटाओ कॉस का कॉस, 90 में से 50 गया 40 प्लस ये आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब दोनों सेम आ गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है आपके 1। तो इसका मान भी कितना आएगा आपके 1 आएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। ऐसे आपको ज्ञात। अगला क्वेश्चन है आपके, ये डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसमें ये रेखा और ये रेखा क्या है समांतर, ये डी ई समांतर है बी सी। ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है डी ई समानांतर है आपके बी सी, ये है सवाल के अंदर आपके दिया हुआ। तो नियम है पहला चरम पहला ही परम है। तो जब रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, ये परम है बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत परमेय। तो आधारभूत आनुपातिक परमेय, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास AD जो दे रखा है 4, यहाँ लिख देंगे 4। DB जो दे रखा है, या BD कह दो या DB कह दो, ये कि वो 6 दे रखा है, और AE दे रखा है 5, और इसी करना है आपको ज्ञात। अब कर देंगे तिरछा गुणा, क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 4 EC बराबर आ जाएगा आपके 5 × 6 30। क्रॉस गुणा करेंगे तिरछा गुणा, ये आपके है गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में। तो इसी का मान आ जाएगा 30/4 बराबर आ जाएगा 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे हम इसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको परमेय का और इसका ध्यान। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपके सवाल में दिया हुआ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या जो है ये है केंद्र, और केंद्र से ये दे रखी है त्रिज्या ये है आपके 13, और इसकी जो जीवा की जो लंबाई है वो दे रखी है आपके, जीवा की जो लंबाई है ये बन गई है आपके जीवा, ये जो लंबाई दे रखी है आपके ये है 10। नियम है कि केंद्र क्या करता है, लिख सकते हो आप, केंद्र जीवा पर क्या होता है, लंब समद्विभाजन, दो भागों में बांटता है। तो ये है केंद्र, केंद्र से यहां खींचेंगे लाइन, यहां बनेगा 90 डिग्री का कोण, और ये भुजा क्या होगी आपके बराबर। अगर यहां पर ओ है और ये वाला ए है, ये वाला अगर आपके बी है और ये वाला अगर आपके सी है, तो इसमें आपके AC की जो लंबाई है AC बराबर हो जाएगा 1/2 आधी हो जाएगी इंटू 10।
तो उत्तर आ जाएगा आपके 5। तो अब वापस समकोण त्रिभुज में आएंगे तो ये हो जाएगी 5 और ये भी हो जाएगी 5। अब ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर ये लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। कर्ण आधार दे रखा है, कर्ण 13 है और आधार, कर्ण जो दे रखा है वो तो है 13 और जो आधार दे रखा है वो है आपके 5। अब हमें ज्ञात करना है लंब स्क्वायर ज्ञात करना है। सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस ये हो जाएगा आपके 25। 5 × 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 25, घटाओ 144, स्क्वायर हट गया, यहाँ लग गया आपके अंडरवुड, तो ये हो जाएगा आपके 12। तो जो दूरी है, जो लंबाई है वो आ जाएगी आपके 12। क्वेश्चन नंबर सात में आपके दे रखा है हमें ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है दोनों का। ये है क्वेश्चन नंबर 7, x² y³ और दूसरा दे रखा है x³ y² और z। इसका अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम का पहले ही बता रखा है, एलसीएम का सब में आना चाहिए नंबर, ऐसा नंबर सब में आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है सभी नंबर लेने हैं आपको, x भी लेना है, y भी लेना है और z भी लेना है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है, पावर ज्यादा लेनी है, तो x की घात 3 है, y की घात भी 3 है और z की घात 1 ही है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपके एलसीएम। हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछे तो दोनों में कॉमन नंबर आना चाहिए, xy और घात भी कम आनी चाहिए। एलसीएम में घात कम आती है, एलसीएम में घात ज्यादा आती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता पासे के फेंकने पर। तो पासे में प्रायिकता होती है, नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पासे में आते हैं 1 से लगाकर 6 तक नंबर और हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। सूत्र है ज्ञात करने का अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 और हमें पूछा गया है 4 से बड़ा नंबर पूछा गया है कि 4 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 4 से बड़ा नंबर वो है आपके 5 और 6। कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपके 1/3 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कर लो, 14/2 ये आ जाएगा आपके 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। सूत्र है ज्ञात करने का πr². पाई का मान है आपके 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो उत्तर आ जाएगा आपके 154 सेंटीमीटर² हो जाएगा। ऐसे आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते। अगला क्वेश्चन है आपके निखिलिम द्वारा घनफल ज्ञात करना, मतलब 15³ ज्ञात करना। तो वैसे इसमें आपके सबसे पहले लेंगे हम आधार, आधार आ जाएगा 10, फिर लेंगे हम उपाधार, उपाधार 1 ले लो तो ये कितना हो गया 10। जब जिससे उपाधार 1 हो तो आपको उपाधार बिना उपाधार भी सवाल को कर सकते हैं। अब आपको ज्ञात करना है विचलन, तो वो होगा 15 माइनस ये वाली संख्या, दोनों का गुणा करने के बाद जो संख्या आती है ये वाली, ये कितना आ गया आपके 5। अब हमें इसका घनफल ज्ञात करना है, तो घनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है ज्ञात करने का संख्या प्लस ये 2 बार विचलन। वैसे उपाधार 1 ही है तो लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा 3 विचलन का स्क्वायर, फिर आ जाएगा विचलन की घात 3। संख्या है आपके 15 प्लस 2 × विचलन का मान दे रखा है आपके 5, 3 × विचलन दे रखा है आपके, विचलन है 5, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर
फिर आएगी 5 की घात 3, अब 15 प्लस 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3 × 5 × 5 = 25 और फिर हो जाएगा आपके 125। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, जोड़ करेंगे तो आएगा आपके 25 और 25 × 3 करेंगे तो ये आएगा आपके 75 और लास्ट में दे रखा है 125। सबसे पहले आएगा आपके 5 ये वाला, अब बाकी के जो नंबर है वो हम यहाँ भेज देंगे क्योंकि आधार जो ले रखा है ना, आधार 10 है, 10 में 1 0 ही है तो हमें एक संख्या लिखनी है, बाकी को आगे भेजना है। तो मैंने 12 को आगे भेज दिया और दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया आपके 87। ये 87 का 7 यहाँ लिख देंगे और जो 8 है वो आगे भेज देंगे, 8 को जोड़ो तो आता है 33 और 33 का 33 हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। अब है आपके पार्ट बी, सिद्ध करना है कि 7 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो पहले क्या करना है, पहले लिखना है माना 7 √5 एक क्या है, ये तो है अपरिमेय लेकिन हम क्या मानेंगे, इसे परिमेय मान लेंगे, माना कि यह है परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब करना है पक्षांतरण, ये गुणा है तो हो जाएगा भाग में, तो √5 का जो मान आएगा वो हो जाएगा a/7b। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, केवल पक्षांतरण करना है, अगर √ के साथ कोई संख्या आ जाए प्लस में माइनस में गुणा में या भाग में तो केवल आपको पक्षांतरण करना है √ की संख्या के अलावा। फिर आपको एक लाइन लिखनी है जो यहाँ दे रखी है आपके, चूंकि a और b पूर्णांक है अतः ये a/7b, ये संख्या क्या हो जाएगी, ये परिमेय, क्योंकि देखो सभी a b से पूर्णांक इसलिए परिमेय हो गई। अगर ये परिमेय है समीकरण 1 के अनुसार, अगर ये परिमेय है तो समीकरण नंबर 1 कहता है ये भी परिमेय होगी, तो √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय, जो कि विरोधाभासी कथन है क्योंकि हम जानते हैं √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारी परिकल्पना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 7 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है आपके, हमें इसका मान ज्ञात करना है, लिखा हुआ है आपके sin 60° प्लस cos, बीच में इंटू है तो ये हो गया है आपके 7 में आ जाएगा cos 30° प्लस sin 30 cos 60 का मान करना है आपको ज्ञात। सबसे पहले ना sin 60 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान भी होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। अब हम कर देंगे इसमें से गुणा करेंगे तो ये होता है 3/4 प्लस 1/4, गुणा करने पर ये √3 हट जाएगा, √3 गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब 4 के आगे आया आपके लसप, 4 से कट गया 3, 4 से कट गया तो 1, उत्तर आएगा आपके 4/4, ये हो जाएगा 1। इस पूरे का जो मान आएगा वो होगा आप। अगला क्वेश्चन है आपके, हमें द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है 4, 2, 2, 5 का। पहले बनाएंगे जोड़े पीछे से, पहला जोड़ा फिर ये दूसरा जोड़ा। अब सबसे पहले जोड़े को आपको इसमें लिखना है कोष्ठक बनाकर, पहला जोड़ा आएगा यहां पर, बाकी के जोड़े जितने भी पीछे बचे सारे सारे यहां लिखने, पीछे जितने जोड़े बचे हैं, पीछे जोड़ा एक बचा है तो भाग देना है आपको 1 बार और घटाना है आपको 2 बार डबल। अगर पीछे 2 जोड़े बचे तो 2 बार भाग देना है और 4 बार घटाना है।
अगर पीछे तीन जोड़े बचे तो तीन बार भाग देना और छह बार घटाना है। तो सबसे पहले हम नंबर लेंगे, जो भी पहले ग्रुप में आएगा, सबसे आगे वाले ग्रुप में जो आएगा उस नंबर को आपको लेना है और माइनस करेंगे, जैसे एक का स्क्वायर या दो का स्क्वायर या तीन का स्क्वायर, जो इसके बिल्कुल क्लोज आए। जैसे छः का स्क्वायर होता है 36, और सात का होता ज़्यादा होता है सात का, तो हम लेंगे हम छः का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 42 माइनस 36 बराबर होता है आपके 6। अब जो स्क्वायर के अंदर जो नंबर है वो लिखना है आपको यहाँ पर, और इसका अगर कर देंगे हम डबल, दोगुना डबल करेंगे, 6 × 12 वो यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बच गया है शेष पल वो हम यहाँ लिख देंगे। अब आपका काम है अगला काम भाग देना। तो संख्या, नई संख्या जो बनी है ये वाली संख्या 62, संख्या 62 है, तो 62 में क्या करेंगे हम भाग देंगे। ये संख्या है 62, इसमें भाग देंगे हम 12 का, इसका भाग दे देंगे 12 का। तो 12 का देंगे भाग, 12 × 5 = 60, तो भागफल तो आया है 5 और शेष फल आया है आपके 2। ये भागफल लिखेंगे हम यहां पर और शेष फल लिखेंगे यहां ऊपर। अब नया जो नंबर बना है, नया नंबर हो गया है आपके 25, इसमें से घटाएंगे, यहां जो नंबर होता है इस नंबर का द्वंद घटाएंगे, तो हम घटाएंगे 5 का द्वंद, 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 25 बराबर क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। और हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ उत्तर हमारा 65, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके 65 आ जाएगा। ऐसे हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके, एक 8 मीटर ऊंचा खंभा है, 8 मीटर खंभा देर का, 8 मीटर तो हम यहां बनाएंगे खंभा, 8 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ये रहा, यहां पर इसका सेंटर का सर्कल है और यहां लगा हुआ है एक कैमरा, और ये यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है जो 17 मीटर दूर देख सकता है, 17 मीटर दूर तक देख सकता है, ये जो है ना यहाँ 17 मीटर, और चार ओर देख सकता है, ये दूरदृष्टि यातायात लगा पोल के चार ओर, ये कैमरा कितना क्षेत्रफल, ये पोल है इसके चार ओर जो ये एरिया है वो ज्ञात करना है, तो ये कहलाएगी इसकी रेडियस, त्रिज्या कहलाएगी। ये है पोल की ऊंचाई जो दे रखी है आपके 8 मीटर, और जितना दूर दे सकता है वो है आपके 17 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है ये वर्त का क्षेत्रफल, क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो वर्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। तो आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो आर क्या करनी पड़ेगी आपको, ज्ञात करनी पड़ेगी। आर अगर ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, कर्ण का हमें ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करना है आपको, तो सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब के 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 × 17 होता है आपके 290 और 8 × 8 = 64, घटाओ तो होता है 225, स्क्वायर हट गया तो यहाँ लग जाएगा आपके अंडरवुड लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 15। वैसे अब नहीं भी लगाओ तो भी देखो, ये आधार मदा कहते हैं, आधार त्रिज्या कहते हैं, और स्क्वायर का स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट नहीं लगा लो, सीधा यही लिख दो, मतलब पाई का मान 3.14 या 22/7 कुछ भी ले लो, इंटू अब यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान दे रखा सीधा 225, या 14 × 15 निकाल कर 15 × 15 भी कर सकते हो, 15 × 15 भी आप काम में ले सकते हो। अब दोनों को कर देंगे हम गुणा, गुणा करेंगे तो ये है आपके 3.14 इंटू
ये दे रखा है 225, ये आता है 706.5 हो जाएगा। तो ये जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा 706.5, ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, ये है ए और बी, दो जगह है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है आपके 150 किलोमीटर, और गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तो हमें पहले तो ज्ञात करना है कि समय ज्ञात करना है, लेकिन वो भी गाड़ी के चलते समय, गाड़ी जब चल रही हो उस समय समय सूत्र ज्ञात कर, सूत्र क्या ज्ञात करने का, दूरी बटा चाल। दूरी दे रखी है आपके 150 और चाल दे रखी है आपके 60, तो ये हो जाएगा आपके 2.5 घंटे। आप चाहो तो 2 का 2 और ये जो 0.5 है इसको आप चाहो तो 60 से गुणा करके भी सवाल को हल कर सकते हो, मतलब मिनट में चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये है आपके 2 घंटे और 0.5 को गुणा कर लेंगे हम 60 से, ताकि वो भी वो आपके मिनट में बदल जाए, तो ये हो जाएंगे 2 घंटे और 30 मिनट। ये तो हमने किया है गाड़ी चलते समय। अब हमें ज्ञात करना है गाड़ी रुके, क्योंकि बीच में सिग्नल लगे हुए थे, ये ए है और ये बी है, तो गाड़ी यहाँ पर बीच में कुछ सिग्नल लगे हुए थे, तो 10 सिग्नल ऐसे लगे हुए थे। तो आपको पहले सिग्नल पर रुकना था 1 मिनट, दूसरे पर रुकना 2 मिनट, तीसरे पर 3, तो लास्ट सिग्नल 10वें पर रुकना था इसको 10 मिनट। तो अब हमें ज्ञात करना है रुकने का समय, गाड़ी जब जब रुकी कितना टाइम वेस्ट हुआ, तो रुकने का समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले रुकी थी उसे कहेंगे ए, सबसे लास्ट में रुकी थी उसे कहेंगे 10 मिनट कह सकते हो, और सिग्नल लगे हुए कितने 10। हमें ज्ञात करना है SN, ज्ञात करना है SN का जो सूत्र, अब हम ज्ञात करेंगे SN, सूत्र है ज्ञात करने का N/2 कोष्टक A+L। N दे रखे हैं 10 सिग्नल/2, पहला सिग्नल 1 मिनट, लास्ट सिग्नल दे रखा है 10 मिनट, ये इसमें कट जाएगा भाग आपके 5 बार, 5 × 11 कर देंगे, गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 55 मिनट। तो 2 घंटे तो लगे आपको गाड़ी के चलते समय और 55 मिनट लगे आपको रुकने का, दोनों टाइम को हम जोड़ लेंगे, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये है 2 घंटे और 30 मिनट, और फिर आपको उसमें जोड़ना है 55 मिनट, जोड़ने पर उत्तर आता है आपके 2 घंटे और 85 मिनट। आप चाहो तो इसको भी आप टुकड़ों में बांट सकते हो, 1 घंटा और 25 मिनट, तो ये 1 है उसके अंदर ऐड हो जाएगा 2 के अंदर, तो उत्तर आ जाएगा आपके 3 घंटे और 25 मिनट। ये आएगा कुल समय चलने और रुकने का, कुल तय दूरी हम ऐसे